हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेंडीफाई की एक और वीडियो में, जहां पर हम आपको बताएंगे फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में और किस तरह से आप एक वेंडिंग मशीन बिजनेस की फ्रेंचाइज ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आइए जानते हैं कि फ्रेंचाइज मॉडल होता क्या है। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि किसी भी बड़े बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और मेहनत की ज़रूरत होती है। तो चलिए मान लेते हैं आपको अपना खुद का एक वेंडिंग मशीन बिजनेस स्टार्ट करना है, और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक वेंडिंग मशीन। हमने वेंडिंग मशीन्स के सभी ट्रस्टेड वेंडर्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है लोकेशन, जहाँ पर आप अपनी वेंडिंग मशीन को इंस्टॉल करेंगे। ये लोकेशन आपकी पर्सनल लोकेशन भी हो सकती है या फिर आप इस लोकेशन को रेंट भी कर सकते हैं। तो वेंडिंग मशीन और लोकेशन के फाइनलाइज हो जाने के बाद अब आपको ज़रूरत है प्रोडक्ट्स की। इन सभी प्रोडक्ट्स को आपको बल्क में स्टॉक करना पड़ेगा ताकि आपका रिफिलिंग प्रोसेस किसी भी तरह से अफेक्ट ना हो। इन सभी प्रोडक्ट्स को सेफली रखने के लिए आपको ज़रूरत होगी अब वेयर हाउस की। इन वेयर हाउसेज और आपकी सभी मशीन्स के बीच में कुछ डिस्टेंस ऑब्वियसली होगा, तो उस डिस्टेंस को मैनेज करने के लिए अब आपको डिलीवरीज भी देखनी पड़ेंगी। अब आपको एसोसिएट करना पड़ेगा एक टेक्निकल एग्रीगेटर के साथ। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना एक बहुत ही प्रोलॉन्ग और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एट लास्ट जब आपका बिजनेस पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाए, उसके बाद आपको ज़रूरत है प्रोडक्ट प्रमोशन एंड ब्रांड मार्केटिंग की। तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि स्क्रैच से अपना बिजनेस बिल्डअप करना एक बहुत ही प्रोलॉन्ग और एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बट ऐसा हर बार नहीं होता। आप इन सब हैसल्स को अवॉइड कर सकते हैं वेंडिंग मशीन ऑपरेटर की फ्रेंचाइजी लेके। इससे होगा ये कि आप वेंडिंग मशीन के ओनर तो होंगे, बट आपको इन सब हैसल्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। इंडिया में फ्रेंचाइजी मॉडल के सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं फास्ट फूड बिजनेस हाउसेस जैसे डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट, और लिस्ट तो एंडलेस है। ये सभी अपनी फ्रेंचाइजी को या तो रिवेन्यू शेयर पे ऑफर करते हैं या फिर प्रॉफिट शेयर पे। ऑफ कोर्स ये शेयर डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस मॉडल के थ्रू कंपनी से एज अ फ्रेंचाइजी एसोसिएट कर रहे हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ फ्रेंचाइज मॉडल्स के बारे में और ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं। वैसे तो फ्रेंचाइज मॉडल्स काफ़ी तरह के होते हैं, बट हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे कॉमन फ्रेंचाइज मॉडल्स की। तो पहला बिजनेस मॉडल होता है कोको, यानी कि कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। दूसरा मॉडल है कोफो, यानी कि कंपनी ओन्ड एंड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। तीसरा होता है फोफो, यानी कि फ्रेंचाइज ओन्ड एंड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। और चौथा मॉडल होता है फोको, यानी कि फ्रेंचाइज ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। हालांकि ये सब नाम सेल्फ एक्सप्लेनिंग है, बट उसके बावजूद भी नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो तक। तो अगर आप आज ही अपना वेंडिंग मशीन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो विजिट करें हमारी वेबसाइट www.vendify.in पे। वेंडिंग मशीन बिजनेस के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वेंडिफाई हिंदी को, और अगर आप इंग्लिश कंटेंट में भी इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वेंडिफाई को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।